तो दोस्तों Redmi Note 10 सीरीज का एक और फोन मार्केट में आ चुका है जिसका नाम है Redmi Note 10 Prime। और दोस्तों इसी के हिडन फीचर्स मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी जानने हैं Redmi Note 10 Prime के हिडन फीचर्स तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि दोस्तों मैं बताने वाला हूं टॉप 10 हिडन फीचर्स ऑफ Redmi Note 10 Prime। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर, तो बताया था आप लोग देख रहे हैं दोस्तों इन्फॉर्मेटिव मीडिया, मेरा नाम है अंकित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों Redmi Note 10 का जो फर्स्ट हिडन फीचर है वो ही बहुत धांसू है, और जानता हूं कि आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। अगर दोस्तों आपको पता है तो आप ऑलरेडी एक डोप लेवल पे हो। तो दोस्तों यहां पे ऐसा होता है कई बार कि आपके जो आइकन्स होते हैं वो इधर उधर बिखरे होते हैं, होता होगा दोस्तों आपके साथ भी, हमारे साथ भी ऐसा बहुत होता है। और दोस्तों ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है इनको रीअरेंज। दोस्तों ऐसे केस में जब आप इनको रीअरेंज करने जाते हो तो आपको एक एक उठा के बार बार लगाना पड़ता है। बट दोस्तों अगर आप इन्फॉर्मेटिव मीडिया को फॉलो करते हो तो आप ऐसा कभी नहीं करोगे। तो दोस्तों अब आप क्या करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एक करके रीअरेंज नहीं करना, आपको बस स्टेप्स को फॉलो करना है। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप है, बीच में टैप करके रखो एम्प्टी एरिया में, ऐसे दोस्तों आपके जो आइकन्स हैं वो ऐसे उसमें आ जाएंगे। और दोस्तों अब आपको ऐसे ऐसे हिलाना है। दोस्तों हिलाने के बाद आप देखेंगे कि सारे ही आइकन ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर लग चुके हैं, है ना दोस्तों, मस्त सा फीचर ये भी। दोस्तों फर्स्ट फीचर ही इतना ज़्यादा डोप है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं अभी लेके आने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट हिडन फीचर की ओर, जो कि है रिंग रिंग इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, रिंग रिंग इंडिकेटर नाम तो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, बट ये जो फीचर है ना ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ट्रिकी फीचर है, क्योंकि इसमें आपको एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और आप देखेंगे कि इस फीचर का अलग ही धमाल है, जब आप अपने फ़ोन को फ्लॉन्ट करेंगे अपने दोस्तों के सामने तो वो देखेगा और कहेगा अरे भाई ये फीचर कैसे पाया, मुझे भी दे दे। तो देखो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है दोस्तों रिंग रिंग इंडिकेटर। एंड दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लीजिए, जितनी परमिशंस ये मांगता है आप इसको परमिशन दे दीजिए, नहीं तो ये चलेगी नहीं। जनरली दोस्तों ये जो परमिशंस मांगता है ये परमिशंस वही होती हैं जो कि जैसे कि डिस्प्ले ओवर अदर एप्स या फिर एसेसिबिलिटी। दोस्तों ये दो बेसिक परमिशंस है जो कि इसको चाहिए होती हैं। देखिए बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की एक मांगी है इसने, और ये दोस्तों हो गया। दोस्तों इसके होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले रिंग रिंग इंडिकेटर को इनेबल कर लीजिए। अब आपको ऊपर यहाँ पर एक रिंग दिख रहा होगा, दोस्तों इस रिंग को आप रीअरेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसको स्लाइडर को आप मूव कर लीजिए, इसको दोस्तों आप ऐसे करके मूव कर सकते हैं। इसको मूव करने के बाद अपने कैमरा के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में लगा लीजिए, और दोस्तों इसको छोटा कर लीजिए रिंग के रेडियस को, ताकि ये आपके बिल्कुल कैमरा के ऊपर आ जाए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल इसको ढंग से मूव कर दिया है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये है बहुत ही मस्त फीचर, और अगर आपने पहली बार देखा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि भाई ऐसा होने वाला है कि अब आपके पास जो बैटरी है अब आपकी वो यहाँ पे शो करेगी। और स्पेसिफिक बात दोस्तों इसमें ये है कि आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं अपनी मनमर्जी से। तो दोस्तों है ना कमाल का फीचर ये भी। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड हिडन फीचर की ओर, जो कि है दोस्तों ट्रू कॉलर। जी हाँ दोस्तों, ट्रू कॉलर का हिडन फीचर है। अब आप कहेंगे ट्रू कॉलर तो यार कोई भी किसी भी फोन में हो सकता है, तो नहीं दोस्तों, इसमें आपको मिलता है इनबिल्ट ट्रू कॉलर। और दोस्तों अब आपको ट्रू कॉलर नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अब कोई भी आपको कॉल करेगा स्पैम नंबर से या फिर कहीं से भी कोई आपका दोस्त फोन बदल के फोन करेगा तो आप बावले नहीं होने वाले, आपको कोई पागल नहीं बना सकता, क्योंकि आपके फोन में है इनबिल्ट ट्रू कॉलर। दोस्तों इसको एनेबल कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। तो दोस्तों उसको एनेबल करने के लिए दोस्तों आपको जाना है यहां पे कॉल पे, और दोस्तों कॉल पे जाने के बाद यहां पे थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए, और दोस्तों यहां पे सेटिंग पे क्लिक कीजिए, और यहां पे है कॉलर आईडी एंड स्पैम। दोस्तों यहां पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे सी कॉलर एंड स्पैम आईडी पे क्लिक कर लीजिए। और दोस्तों अब होगा क्या कि अब कोई भी कॉल आएंगे तो ऑटोमेटिक उस पर नंबर लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई फलाना बंदा कॉल कर रहा है, जोमेटो वाला कॉल कर रहा है, फ्लिपकार्ट वाला कॉल कर रहा है, आपका फलाना दोस्त कॉल कर रहा है, तो भाई सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको किसी भी ट्रू कॉलर नाम की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। तो आ गए ना दोस्तों मजे। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही अगले हिडन फीचर की ओर, जो कि दोस्तों है हमारा वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है नेटवर्क एग्रीगेशन का सपोर्ट। दोस्तों नेटवर्क एग्रीगेशन में क्या है,
आप अपने वाईफाई के इंटरनेट को प्लस आपके 4G के इंटरनेट को दोनों को यूज़ कर सकते हैं साथ में। जी हाँ दोस्तों, दोनों को साथ में यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। और आपको इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप दोनों की स्पीड को कंबाइन करके अपना यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपके पास 5 Mbps आ रही है आपके 4G में और आपके घर के वाईफाई में आ रही है 200 Mbps, तो दोस्तों कनेक्ट करने के बाद आपके पास हो रही 205 Mbps। और दोस्तों ये फीचर आपको इतने छोटे से फ़ोन में मिलता है, और बता देता हूँ कि रियलमी वगैरह किसी भी फ़ोनों में ये फीचर नहीं मिल रहा आपको। दोस्तों ये फीचर बहुत मस्त है, इसमें आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है। आपको जब भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो आपको मोबाइल डाटा एंड वाईफाई दोबारा से साथ में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें आपको एक और फीचर मिलता है कि वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट दोनों को आप इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है, जैसे ही आपने वाईफाई ऑन किया अपना साथ में हॉटस्पॉट ऑन कर लो। कल को आपका दोस्त कहता है कि भाई मुझे अपने वाईफाई का पासवर्ड बता दे, तो कहते हैं भाई नहीं बताऊंगा अपना पासवर्ड, इससे बेटर तू मेरा हॉटस्पॉट यूज़ कर ले। आप अपने वाईफाई से कनेक्ट करो अपना फ़ोन और हॉटस्पॉट को ऑन कर दो और उसको अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड दे दो। तो भाई हॉटस्पॉट का पासवर्ड देने का फ़ायदा यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन तक ही वो कनेक्ट कर सकता है, आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकता, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों इस फ़ोन का। दोस्तों ये था हमारा हिडन फीचर। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हिडन फीचर की, जो कि पांचवा हिडन फीचर है। और दोस्तों ये तो इतना अति आवश्यक है कि मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों इतने लोगों ने मुझे कहा कि भाई मुझे अपने फ़ोन में ऐप्स हाइड करनी है। अब कुछ भी रीज़न हो सकता है भाई, निब्बा निब्बी हैं, बतेरे बंदे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए होता है कि भाई जो एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप हाइड करना चाहते हो, दोस्तों को नहीं दिखाना चाहते, भाई बहन को नहीं दिखाना चाहते, तो उस केस में आप इस फीचर का लुत्फ उठा सकते हैं बिना किसी एडिशनल ऐप को डाउनलोड किए। दोस्तों ये फ़ोन के अंदर छुपा रखा है और अगर आप नॉर्मली सर्च करेंगे सेटिंग्स में तो आपको नहीं मिलने वाला। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये फीचर भी। आप जाइए दोस्तों सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर लिखना है ऐप लॉक। दोस्तों ऐप लॉक इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि अगर आप हिडन फीचर हिडन ऐप्स यूज़ करोगे तो आपको नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आप ऐप लॉक लिखिए और दोस्तों यहाँ पे आपको मांगेगा पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन। दोस्तों मैंने ऑलरेडी पासवर्ड सेट कर रखा है आप लोगों के लिए और दोस्तों यहाँ पे आपके सामने खुल जाएंगी ऐप लॉक। दोस्तों ऐप्स को लॉक करना तो सबको आता है बट हाइड करना कहीं को नहीं आता होता। तो दोस्तों हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे हिडन ऐप्स का ऑप्शन है और दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हाइड करने के बाद आपको निकल जाना है बाहर। और अब आप इनको कैसे यूज़ करेंगे, ऐप्स तो आपने हाइड कर दी, अब आप ढूंढेंगे कैसे इस ऐप्स को, तो दोस्तों उसका भी सॉल्यूशन बताया था आपको। दोस्तों इन ऐप्स को ढूंढने के लिए आपको ऐसे क्या करना है, पिंच आउट करना है। दोस्तों पिंच आउट करने का मतलब दो उंगलियों को लेके एक दूसरे की ओर की जगह दूसरी दूर दूर भगाना है। दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी और दोस्तों इसके अंदर आपकी जितनी भी हिडन ऐप्स हैं वो सारी यहाँ पे दिख जाएंगी, है ना दोस्तों। ये भी रापचिक सा एक हिडन फीचर। दोस्तों अगर आपको ये फीचर भी झकास लगा तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन इस ऐप को या इस फीचर को पर्टिकुलरली यूज़ करने वाला है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की ओर दोस्तों, जो कि वो भी मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना कॉलेज वाले बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे होते हैं चिरांद आदमी। वो करते क्या है वो बताता हूँ आपको। वो क्या करते हैं, आपका फ़ोन लेते हैं, आप अपने फ़ोन में कुछ भी कर रहे होते हैं और जब अपने फ़ोन में रीसेंट एप्लीकेशंस खोलते हैं तो है ना वो आपके रीसेंट एप्लीकेशन में से ही व्हाट्सएप की सारी स्टोरीज पढ़ लेते हैं या फिर जो भी आपके टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं किस किस से बात कर रहे थे वो सब देख लेते हैं बिना एप्लीकेशन को ओपन करें, है ना। तो भैया ऐसे चिरांद आदमियों के लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। तो दोस्तों वो सॉल्यूशन है ब्लर ऐप्स का। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने फ़ोन के रीसेंट मेमोरीज में फ़ोन के ऐप्स को ब्लर कर सकते हैं ताकि कोई उसके अंदर का ना कंटेंट ना पड़ पाए। और दोस्तों वो कैसे करते हैं, कैसा दिखेगा, सब कुछ अब आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। दोस्तों सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ब्लर ऐप्स के अंदर। दोस्तों ब्लर ऐप्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है ब्लर ऐप प्रीव्यूज़ में। और दोस्तों यहाँ पे आप कुछ एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे क्रोम, गूगल प्ले स्टोर, कैमरा, जनरली आप व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहोगे। और जैसे दोस्तों आपको दिखाता हूँ ये दिखेगा कैसे। दोस्तों जैसे ही मैं अब यहाँ पे गया रीसेंट एप्लीकेशंस के अंदर, दोस्तों आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्ले स्टोर जो है टोटली ब्लर्ड आउट दिख रहा है। दोस्तों अब ये जो ब्लर्ड आउट दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ कि वैसे कैसे दिखता है। अब मैं इसको बंद करूँ यहाँ प्ले स्टोर के लिए और अब आप देखें तो दोस्तों देख सकते हो आप कि मैं क्या सर्च कर रहा था। यहाँ पे रिंग रिंग इंडिकेटर नाम की एक एप्लीकेशन खोल रखी है मैंने। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना यही चीज़ें आपको डोप बनाती हैं। और दोस्तों इसको करने के लिए आपके लिए बड़ा ही आसान तरीका है ब्लर ऐप प्रीव्यूज़।
दोस्तों कैसी लगी एप्लीकेशन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की ओर। दोस्तों ये भी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझसे कि भाई होता क्या है कि आप लोग चाहते हैं कि अपने फ़ोन के अंदर जो नेटवर्क की स्पीड है वो जानना चाहते हैं, और दोस्तों वो जानना चाहते हैं कि कंटिन्यूसली वो कितनी स्पीड आ रही है। अब दोस्तों ऐसे केस में कई लोग तो बाहर से एप्लीकेशन डाल लेते हैं, बट आपके पास है दोस्तों Redmi का फ़ोन और खासकर Redmi Note 10, और दोस्तों Redmi Note 10 के अंदर तो इतने मक्खन फीचर्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो दोस्तों Redmi Note 10 के अंदर आपको फीचर मिल जाता है कनेक्शन स्पीड की डिटेल्स देखने का, और दोस्तों वो कैसे देख पाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपको जाने हैं अगेन सेटिंग्स के अंदर, और दोस्तों सेटिंग्स के अंदर आप लिखिए कनेक्शन। दोस्तों कनेक्शन लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा दोस्तों यहाँ पे थर्ड ऑप्शन शो कनेक्शन स्पीड, और दोस्तों शो कनेक्शन स्पीड के अंदर यहाँ पे आप इसको एनेबल कर लीजिए। दोस्तों इसको एनेबल करने के बाद आपकी जो नेटवर्क स्पीड है चाहे वो 4G की हो चाहे वाईफाई की हो, दोस्तों आप उसको ऊपर ही लगातार देख पाएंगे बिना किसी अदर एप्लीकेशन की ओर को इंस्टॉल करें। तो दोस्तों इतना मस्त फीचर है दोस्तों, मुझे ये बहुत मस्त लगता है, और काफ़ी लोगों ने इवन रिक्वेस्ट भी करा था मुझसे कि भाई ये फीचर हमें ज़रूर बताना। दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है वो तो अति डोप है, वो इसलिए क्योंकि वो जनरली किसी फ़ोन में नहीं मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ रेडमी के फ़ोन में भी कुछ चुनिंदा फ़ोन के अंदर मिलता है, और दोस्तों आपका फ़ोन उन चुनिंदा फ़ोन में आता है। दोस्तों ये फीचर है क्लीन करने का आपके स्पीकर्स को। तो दोस्तों स्पीकर्स को पहले कैसे क्लीन करते थे हम लोग, वो सुइयां मार मार के, है ना। अब भैया वो सुइयां मारने की जरूरत नहीं है, अब आपको क्या करना है, आपको एक फ़ोन के अंदर फीचर दे दिया है, आप उसको क्लिक कीजिए और आपका स्पीकर साफ हो जाएगा। दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों आपको जाना है आगे इन सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको लिखना है स्पीकर। दोस्तों जैसे स्पीकर लिखेंगे आप देखेंगे यहाँ पे क्लियर स्पीकर नाम का ऑप्शन है, और दोस्तों क्लियर स्पीकर को जब ऐसे ही आप इसको एनेबल करेंगे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक आवाज आ रही है। तो दोस्तों ये थी क्लियर करने का तरीका। दोस्तों ये जो साउंड है ना, एक्चुअली बेसिकली साउंड ऐसी आवाजें हवाएं निकालता है स्पीकर की साइड से, ताकि आपकी जो भी गंदगी है फोन के अंदर वो सारी निकल जाएगी, है ना दोस्तों। मस्त सा फीचर। दोस्तों ये फीचर अगर आप किसी दोस्त को दिखा दोगे ना, बावला हो गया बावला। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया फीचर लगा मुझे ये भी। दोस्तों नेक्स्ट फीचर की ओर चलते हैं, जो कि है दोस्तों और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि होता क्या है, आप लोग रात को फ़ोन को यूज़ करते हैं, और फ़ोन को यूज़ करने के बाद फ़ोन छोड़ देते हैं, और रातों रात आपकी बैटरी जो है 5-10% झड़ जाती है। अब दोस्तों वो 5-10% को बचाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, वो दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर दे रखा है, वो है दोस्तों शेड्यूल पावर ऑन एंड ऑफ। दोस्तों शेड्यूल पावर ऑन एंड ऑफ से क्या होगा, जैसे रात को डेली आप उसमें टाइम सेट कर दो कि भाई मैं 12 बजे सोता हूँ या 1 बजे सोता हूँ, तो 1 बजे का टाइम डाल दो कि 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहे। तो दोस्तों रात को ऑफ होगा, सुबह अपने आप ऑन होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपनी बैटरी ईजिली बचा पाएंगे। दोस्तों उसको अनेबल करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इस पासवर्ड को हटा देते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर दोबारा से, और दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लिखना है यहां पे शेड्यूल। दोस्तों शेड्यूल लिखते साथ ही आपको मिल जाएगा शेड्यूल पावर ऑन एंड ऑफ। तो दोस्तों शेड्यूल पावर एंड ऑन एंड ऑफ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि शेड्यूल पावर ऑन एंड ऑफ से आप अपना स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड दोस्तों आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, है ना दोस्तों। मस्त सा फीचर ये भी। दोस्तों ये जो फीचर्स है ना, कई सारे फ़ोनों में मिसिंग होते हैं, और दोस्तों यही खास बात है हमारी कि हम आपके लिए सारे फीचर्स भर भर के निकाल निकाल के लाते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो मुझे लगता है आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दोस्तों अप्रिशिएट कैसे करते हैं, सब्सक्राइब बटन को दबा के दोस्तों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फटाफट से। दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट हिडन फीचर की ओर दोस्तों, जो कि है क्विक बॉल। और दोस्तों क्विक बॉल आज का फीचर नहीं है, काफ़ी पुराना फीचर है, और मैं कहूँगा कि ये फीचर शुरुआत से इम्प्रूव होता आ रहा है, और दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या क्या चीज़ें इसमें खास हैं। दोस्तों आपको दोबारा से जाना है सेटिंग में, और जाके लिखना है दोस्तों क्विक बॉल। दोस्तों मैं कहीं पे भी आपको ये नहीं कहता कि एडवांस सेटिंग में जाओ, फलाना जाओ, उसके बाद क्विक बॉल में जाओ, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कितना ईजी तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ जिससे आप आसानी से उस फीचर की ओर पहुँच पाएँ, तो वही बेस्ट आपके लिए है। दोस्तों यहाँ पर आ गए हम लोग क्विक बॉल के अंदर, और दोस्तों क्विक बॉल को अनेबल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे एक गोला सा बन के आ गया है, और दोस्तों गोले के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं। दोस्तों ये जो शॉर्टकट्स हैं यही आपके काम की चीज़ है, और दोस्तों इन्हीं का आपको यूज़ करना है, जैसे कि
ये स्क्रीनशॉट के लिए हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं फ़ोन को। तो दोस्तों ऐसे फीचर्स जो हैं बहुत ही अमेजिंग हैं और काफ़ी ज़्यादा काम के हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरी वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई थी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।